गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं राशियों की तुलना। राशियों की तुलना कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पर हम दो राशियों की तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए पहले दोनों राशियों की इकाई सेम होनी चाहिए, ये सबसे पहले चेक करना है। जैसे यहाँ पर एक साइकिल की चाल दी है और एक मोटरसाइकिल की चाल दी है, तो दोनों ही चाल एक ही इकाई में होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में हैं, तो हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका? साइकिल की चाल का। स्कूटर की चाल से निकालना है तो साइकिल की चाल ऊपर लिखी जाएगी, स्कूटर की नीचे लिखी गई। तो यहाँ पर साइकिल की चाल कितनी है आप देखिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और स्कूटर की कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों सेम इकाई है, ये कट जाएगा। अब 15 से कट जाएगा, ये 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो ये आया 1:2 अनुपात आ गया तुम्हारा 1:2। तो साइकिल की चाल का या स्कूटर की चाल से अनुपात आ गया। अब देखते हैं दूसरा है पहले का बी, 5 मीटर का 10 मीटर के साथ। तो 5 मीटर ऊपर लिखा आपने, 10 मीटर नीचे लिखा है, मीटर से मीटर काट दो, 5 एकम 5 कितने बार कटा? 1 बार। 5 दूनी 10 कितने बार कटा? 2 बार। अनुपात कितना आया बच्चों? 1:2। समझ गए? यहाँ दोनों इकाई सेम है तो नहीं बदलेंगे, वैसे ही कट जाएंगे। दोनों इकाई सेम होनी चाहिए ये देखना है। तो पहले वाली संख्या को ऊपर रखना है, दूसरे वाली संख्या को नीचे रखना है। अब कह रहा है सी में, पहले का सी देखिए, अनुपात कह रहा है 50 पैसे। भाई 50 पैसे ऊपर लिख दिया पहला ही है, और 5 रुपये। अब 5 रुपये कहाँ लिख लूँगा मैं? नीचे लिख लूँगा। अब देखिए यहाँ पर रुपए पैसे बराबर नहीं है, एक इकाई नहीं है, तो पहले क्या करें, रुपए को पैसे में बदलो या पैसे को रुपए में बदलो। दोनों इकाई सेम होनी चाहिए तो ही अनुपात निकालोगे आप। तो 50 पैसे के 50 पैसे ही रहने देता हूँ मैं, 5 रुपये के पैसे बनाता हूँ, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बताइए? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, पढ़ा है, सब जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में भाई 500 पैसे होंगे कि नहीं? 100 का गुणा कर दो तो ये पैसे आ गया, पैसे से पैसे कट गया बेटा, ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5 5 एकम 5 कितना आया? 1, कुछ नहीं बचा ऊपर, 1 बचा नीचे, 10 बचा है, 1/10। तो ये अनुपात आ गया तुम्हारा 1:10, कितना आया? 1:10। ऐसे हम राशियों की तुलना की सकते हैं, लेकिन तुलना करने में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। इकाई सेम हो तो ही चलेगा। मान लो एक अतिरिक्त सवाल लेके चलें हम यहाँ पर, एक और एक्स्ट्रा सवाल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है 5 मीटर और यहाँ लिख दिया 500 सेंटीमीटर, तो अब क्या करोगे? पहले इनको चेंज करो, 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 में कितने हो गए भाई? 500 सेमी, और नीचे कितने? 500 सेंटीमीटर ही है। तो ये क्या कट गया? 0 से 2 0, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और 5 से 5 1 बार 5 एकम 5 5 एकम 5 1:1। यानी हमें पहले ये दोनों इकाइयों को सेम करना है। कोई सी इकाई हो या मीटर लंबाई की इकाई है, तो यहाँ भी मीटर
होनी चाहिए या दोनों जगह सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप अनुपात निकालोगे। अब इसमें क्या है, अनुपात दिया है, निम्न अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों 100, कोई चीज़ 100 में से कितनी है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2 रुपये, 2 रुपये 1 में से है तो 100 में से कितना होगा, 200%। 100 का गुणा कर देते हैं, यानी प्रतिशत लाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। अनुपात कितना दिया है आपको, 3:4 दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो 3/4। लेकिन इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, पता है, प्रतिशत बराबर होगा 3/4। क्या करना है, प्रतिशत लाने पर 100 से गुणा, और प्रतिशत जैसे ही 100 से गुणा करोगे आप यहाँ प्रतिशत लगाओगे। अब 4 से कट जाएंगे, देखो 4 एकम 4, और ये 4 से 25 बार कट जाते हैं, 25 चौके 100, तो कितना आया ये आपका, कितना आ गया, 75% 75%। तो 3/4 कितना प्रतिशत होता है, 75% होता है किसी का भी। ऐसे ही आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी, दूसरे का बी पार्ट, इसका अनुपात कितना दिया है आपको, 2/3, 2:3 को 2/3 लिखते हैं हम। अब क्या करोगे, इसका प्रतिशत निकाला आपने, प्रतिशत बराबर क्या होगा, 2/3, अपन को क्या करना है, अनुपात में 100 से गुणा कर देना है, 2/3 × 100, क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है, प्रतिशत बदल गया। अब भाई ये कट रहे नहीं किसी से, 3 से कोई संख्या नहीं कटेगी, ना 2 कट रहा ना 100, तो ऊपर आ जाएगा 200/3 प्रतिशत। अब 3 का भाग दे के भी लिख सकते हो आप, 3 का भाग दे दो 200 में, 6 का 18 कितने बार गया, 6 बार, फिर 2 को 6 का 18 2 बचा, तो ये इतना ही आ रहा है। तो पॉइंट लगा लो, 1 0 बढ़ा लो, 6 का 18 फिर तो ये आएगा तुम्हारा यहाँ पर 66.667%, और बटे में लिखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 66, यहाँ बचा कितना, 2 बच रहा था 66 के बाद, 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3%। ये तो आंसर है, तो ऐसे पॉइंटों में लिखना है तो ऐसे, बटे में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि 25 विद्यार्थियों में से एक क्लास है, जैसे आपकी क्लास मान लो, उसमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कुल विद्यार्थी 25 हैं, कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उसमें, 25, तो कुल विद्यार्थी आपके कितने हो गए बेटा, 25। 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यानी इंटरेस्ट रखते हैं, गणित में उनकी रुचि है, पढ़ने में आनंद आता है उसको, है ना, तो गणित में रुचि रखने वाले की परसेंट कितना है, गणित में रुचि वाले विद्यार्थी कितने हैं, 72%, 72% हैं। अब तो ये कह रहा है गणित में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या निकाल, बताओ कितने विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते, यानी इंटरेस्ट नहीं लेते, ये तो 72% तो रखते हैं, वो कह रहा है नहीं रखते। तो भाई पहले हम इनका निकाल लें कितने परसेंट रखते हैं, और फिर 25 में से घटा दो तो नहीं रखने वाले आ जाएंगे। या ऐसा करो आप कि 100 में से इस परसेंट को घटा दो, तो दो तरह से आप काम कर सकते हो, पहले गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी निकालो, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने होंगे,